नमस्कार आप सबको, हम हैं आप सबकी अपनी चिकमिक। जानती हैं दीदी, बाहर का खाना सभी का जी ललचाता तो है, लेकिन नुकसान ओहो आपका बोले। इसलिए हमें अपने बच्चे को हमेशा पौष्टिक खाना ही खिलाना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार। भाई हम तो अपने बच्चे को खिला पिला कर बिल्कुल तंदुरुस्त रखते हैं। बस बस, जरा कार्यक्रम के बारे में भी बताओ, बच्चे पर फिर कभी बात कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा नेता मत बनिए। तो आज के एपिसोड में हम लोग सुनेंगे कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो उसे क्या क्या खिलाना चाहिए। नमस्ते दीदी। अरे कविता, आओ आओ, कैसी हो और मुन्ना कैसा है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, और मुन्ना भी ठीक है। पर दीदी, वो मैं मुन्ना के लिए आपसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ कविता, बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है? दीदी, पिछले हफ्ते मुन्नी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मुझे क्या क्या खिलाना चाहिए। तो ये बात है। अच्छा किया कविता कि तुम इस बारे में मुझसे जानने आ गई। देखो, अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो ऐसे में उसे माँ के दूध के साथ साथ घर का बना खाना, जैसे कि चावल, दाल, हरी साग सब्जी, दूध से बनी चीजें, जैसे कि छेना, पनीर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मसल कर खिलाना चाहिए। मगर दीदी, जब मुन्ना का पेट खराब हो और उसे पतली लेटरिंग हो तो तब तो नहीं खिलाना चाहिए ना? ऐसे में कविता, बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में ORS या नमक चीनी का घोल देना चाहिए। और हाँ, इसके साथ साथ माँ का दूध तो देना ही चाहिए, साथ ही खाने में ऐसी चीजें जो आसानी से पच जाए, जैसे खिचड़ी देनी चाहिए, और साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर खाना नहीं दोगी तो बच्चा और कमजोर हो जाएगा। अच्छा दीदी। पर हाँ कविता, तबीयत थोड़ी बेहतर होने पर बच्चे को अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के शरीर में ताकत आए और जल्दी से स्वस्थ हो जाए। दीदी, एक और बात, हमारे मोहल्ले में कुछ बहनें हैं जो बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाती हैं, तो ऐसे में बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए? हाँ सही कहा कविता, कई बार ऐसा होता है तो ऐसे में बच्चे को अधिक मात्रा में पौष्टिक भोजन, जैसे कि दूध, हरी साग सब्जी, चावल, दाल, अंडा दूध या दूध से बना छेना पनीर खिलाना चाहिए। दीदी, आपने जो कुछ अभी मुझे बताया है ये सब बातें मैं याद रखूंगी, ताकि बीमारी मेरे मुन्ने को कमजोर न कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गजब। तो याद रहेगा ना सभी को, जब आपके बच्चे बीमार पड़ जाएं, तो ऐसे में उसे माँ के दूध के साथ साथ घर का बना खाना भी खिलाना चाहिए। धन्यवाद।